हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अंडरग्राउंड लाइट फिटिंग के बारे में। दोस्तों अंडरग्राउंड लाइट फिटिंग, अगर आप अंडरग्राउंड लाइट फिटिंग कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सा सामान लगता है और क्या क्या सामान उसमें आता है और कौन सा सामान किस जगह लगता है, उसका क्या इसका नाम होता है और कौन सा सामान किस जगह लगता है और कितने कितने बाई कितने का सामान आपको लगाना है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों पीओसी पाइप। दोस्तों जब आप अंडरग्राउंड फिटिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको पीओसी पाइप की जरूरत पड़ती है। पीओसी पाइप आपको दो क्वालिटी का आपको पाइप मिल जाता है। यहाँ पे 20 mm और 25 mm का पाइप आता है, जो ये पीओसी पाइप होता है। अंडरग्राउंड फिटिंग में आपको इसका जरूरत पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैंड। दोस्तों आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम है पीओसी बैंड। दोस्तों आपको बैंड भी दो प्रकार के मिलते हैं, तो आपको 20 mm मिलता है और 25 mm आपको बैंड मिलता है। तो दोस्तों अगर आप पाइप हो चाहे बैंड हो, अगर आप छत के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको हैवी पाइप और बैंड यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप छत में अगर हल्का यूज करोगे तो आपका पाइप और बैंड दोनों भी टूट सकता है। हाई क्वालिटी वाला पाइप और बैंड आप छत में यूज करिए, हैवी पाइप और बैंड आपको यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये 20 mm और 25 mm का बैंड भी मिलता है और पाइप भी मिलता है, इसमें 20 mm और 25 mm यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जंक्शन बॉक्स। दोस्तों जंक्शन बॉक्स भी आपको 20 mm और 25 mm का मिलता है, अभी मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ। ये 4 होल वाला भी मिलता है और उसके बाद में हम दोस्तों ये आपको 3 होल वाला भी इसमें मिल जाता है। तो आप ये भी जंक्शन बॉक्स 20 mm और 25 mm मिलता है और इसमें आपको 2 होल वाला भी मिलता है। अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं फैन लगाने के लिए। फैन बॉक्स आपको लगा जाता है, तो आप इसमें भी आपको 2 प्रकार के मिलते हैं। एक तो इसमें आपको 8 होल वाला मिलता है, एक आपको 6 होल वाला मिलता है। तो दोस्तों यह है फैन बॉक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फैन बॉक्स है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप पिक्चर में देख सकते हैं यह है फैन बॉक्स। तो अपने हिसाब से इसको भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में आता है लाइट बॉक्स, कंसेंट बॉक्स। दोस्तों ये भी आप जो आप 100 लाइट लगाते हैं उसमें आपको ये लगाना पड़ता है। जो जब आप अंडरग्राउंड फिटिंग करते हैं तो उसमें आपको ये पहले लगाना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें भी आपको 2 प्रकार के मिलते हैं, यानी एक तो जो 8 होल वाला आता है, एक 6 होल वाला आता है। इसमें आपको 2 प्रकार के लाइट बॉक्स मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको भी यूज कर सकते हैं। बॉक्स दोस्तों ये इसको बक्से भी बोलते हैं, अपने भाषा में इसको बक्से भी बोलते हैं और आपको स्विच बॉक्स भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों यह है 8 मॉडल का स्विच बॉक्स है, आप देख सकते हैं। इसमें भी आप अलग अलग कंपनी का और अलग अलग मॉडलर आता है, तो आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सा मॉडलर आता है। तो दोस्तों यह है 8 मॉडलर बोर्ड है। हम बात कर लेते हैं जो मॉडलर वाला में आपको एक 5 पिन सॉकेट लगा सकते हैं और इसमें आप एक स्विच लगा सकते हैं। तो यह 3 मॉडलर का बॉक्स होता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 4 मॉडलर बॉक्स। दोस्तों 4 मॉडलर बॉक्स में आप येलो वाले में आप एक 5 पिन सॉकेट लगा सकते हैं और दो आप स्विच लगा सकते हैं। तो ये 4 मॉडलर बॉक्स होता है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं हम 2 मॉडलर बॉक्स की। दोस्तों 2 मॉडलर बॉक्स में आप या तो आप 2 स्विच लगा सकते हैं इसमें, या इसमें आप एक 5 पिन सॉकेट लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये है 2 मॉडलर बॉक्स। दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 6 मॉडलर बॉक्स। 4 स्विच लगा सकते हैं और एक 5 पिन सॉकेट लगा सकते हैं, तो ये 6 मॉडलर बॉक्स है। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं 12 मॉडलर बॉक्स। दोस्तों 12 मॉडलर बॉक्स में आप 10 स्विच लगा सकते हैं और इसमें एक 5 पिन सॉकेट लगा सकते हैं, या अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह है 12 मॉडलर बॉक्स। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 18 मॉडलर बॉक्स। 18 मॉडलर बॉक्स आप अपने हिसाब से इसको भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों जितना भी बॉक्स आता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी हम बात कर लेते हैं एमसीबी बॉक्स के बारे में। दोस्तों एमसीबी बॉक्स आता है, इसमें आपको 2 प्रकार के मिलते हैं। एक तो आपको मिलता है जो डबल डोर मिलता है, एक सिंगल डोर मिलता है, इसको बोलते हैं डबल डोर, एक सिंगल डोर होता है। 2 एमसीबी बॉक्स आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये एमसीबी बॉक्स। दोस्तों एमसीबी बॉक्स मीटर से आपको एमसीबी बॉक्स में आपको लाइट आएगी और एमसीबी बॉक्स से आपको आपके घर में जाएगी। तो इसमें आपको अलग अलग एमसीबी आपको लगती है, हर रूम की एक एमसीबी आपको लगा सकते हैं और एक एक मेन स्विच भी इसमें आप लगा सकते हैं। तो मेन पावर को यहाँ पे कंट्रोल करता है, तो इसलिए आपको एमसीबी बॉक्स घर में लगाना चाहिए। अंडरग्राउंड फिटिंग जब करते हैं तो उसमें आपको लगाना पड़ता है। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं
क्लिप्स दोस्तों, पीयूसी क्लिप्स। पीयूसी क्लिप्स का मतलब, अगर आप जब अंडरग्राउंड फिटिंग कर रहे हैं तो आपको जो पाइप होता है, तो पाइप को रोकना होता है, तो इसमें आपको 20 mm और 25 mm की क्लिप्स आपको मिल जाती है, तो आप अपने हिसाब से इसको भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों यह पीयूसी क्लिप्स होती है जो पाइप को रोकने के लिए काम आती है। जब अंडरग्राउंड फिटिंग कर रहे हैं तो आप पाइप गिरता है, तो आपको उसको रोकने के लिए ये क्लिप्स आप लगा सकते हैं। दोस्तों मैंने पूरी सामान की यहाँ पे जानकारी आपको बता दी है, कौन कौन सा सामान किस जगह लगता है और क्या क्या सामान आता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।